उनका कहना जो है भूल है। समस्तीपुर को जब से देश आजाद हुआ है तब से पूरे भारत में समस्तीपुर को लोग जान रहे हैं। ये उनका कहना गलत है कि समस्तीपुर को जब हम आवाज उठाते हैं तब समस्तीपुर को लोग जान रहे हैं। समस्तीपुर को किसके नाम से जाना जाता है? मैं यही कहूंगा साहिल भाई, आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम समस्तीपुर वासियों का एक मजाक बनाया गया है। मजाक नहीं है तो क्या है? समस्तीपुर को लोग आज से जान रहे हैं, आजादी से पहले से समस्तीपुर को पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो ऐतिहासिक लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वो नहीं समस्तीपुर को जानता है। तो क्या लगता है सांभवी जी को जो है जो अपने बयानों को वापस लेना चाहिए? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। यही समस्तीपुर का गरीब गुरबा जनता आपको सांसद बनाया है। अगर उसका मजाक बनाइएगा तो फिर चले जाइएगा जहाँ से आप आए हैं। समस्तीपुर जिला की जनता जो है उनको वोट किया तब लोग जाना कि संभवी है, नहीं तो संभवी को इससे पहले कोई जानता भी नहीं था। तो पूरे जिला वासियों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। इस तरीके से सांसद को अभी कैमरा ऑन कैमरा आकर उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए कि इस तरीके से जो बयान दिया अच्छा है। बिल्कुल माफ़ी क्यों मांगना चाहिए? आज तक जो है किसी सांसद ने समस्तीपुर में इतना आवाज़ें उठाई हैं जितना ये संभवी चौधरी आवाज़ उठा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाह रफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त एक वीडियो समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी जी का जो है एक वीडियो काफी तेजी से इन दिनों जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि जब से वो संसद में जब से वो आवाज उठाती है तभी से लोग जो है समस्तीपुर को सही ढंग से जान पा रहा है। उनका कहना है कि समस्तीपुर पहले मैप पर भी नहीं था। उनको लगता है कि समस्तीपुर को जो है लोग उन्हीं के वजह से जानता है। आइए यहाँ की जनता से पूछेंगे, समस्तीपुर की जनता से पूछेंगे क्या कुछ वो सांसद साहिबा जो कुछ कह रही हैं वो क्या सही बात है। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं वो क्या कुछ कह रही है। अब जब हम पार्लियामेंट जाते हैं एंड समस्तीपुर के बारे में बात करते हैं, समस्तीपुर की बातों को रखते हैं, तब लोगों को एक्चुअली पता चल रहा है कि समस्तीपुर कहाँ है बिहार के मैप में। इसके पहले लोगों को पता भी नहीं था कि समस्तीपुर मैप पे कहाँ है। हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे, आम जनता है समस्तीपुर के। अभी जो है सांसद साहिबा का एक वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वो कह रही है कि समस्तीपुर को पहले लोग नहीं जानता था, तो क्या ऐसा है समस्तीपुर को लोग नहीं जानता था? बहुत लोग जानते हैं। कैसे जानता था? किन के नाम से समस्तीपुर को जाना जा रहा है? कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता जी, है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है समस्तीपुर को पहले लोग नहीं जानता था? बहुत लोग जानते हैं। समस्तीपुर को लोग जानता है या नहीं जानता था? बिल्कुल जानता है। सांभवी चौधरी जब से जीती तब से जाना है क्या? नहीं, पहले से भी जानते हैं। ऐसे जानता है जी जी। सांभवी चौधरी जी कहती है कि समस्तीपुर को जो हम जब से आवाजें उठाने लगे हैं संसद में तभी से लोग सही ढंग से जान पा रहा है। नहीं, पहले से भी जानते हैं लोग। जानते हैं। उनका कहना जो है भूल है। समस्तीपुर को जब से देश आजाद हुआ है तब से पूरे भारत में समस्तीपुर को लोग जान रहे हैं। ये उनका कहना गलत है कि समस्तीपुर को जब हम आवाज उठाते हैं तब समस्तीपुर को लोग जान रहे हैं। समस्तीपुर को किसके नाम से जाना जाता है? समस्तीपुर को खास करके समस्तीपुर स्टेशन के नाम से जो है वो पूरे भारत में मशहूर है समस्तीपुर की खूबसूरती के बारे में। और कर्पूरी ठाकुर जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके नाम से पूरे भारत को जान रहा है लोग। मसाला की बिक्री होती है, मसाला की बिक्री से भी फेमस है, लेकिन जो ज़्यादातर जो जान मतलब बिहार को या समस्तीपुर को जान रहे लोग पूरे भारत में वो कर्पूरी ठाकुर के समय से जान रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में जो है मरणोपरांत मरने के बाद भारत रत्न से नवाजा गया है। ऐसा थोड़े कि सांभवी चौधरी जो है वो सांसद में आवाज उठाते तब समस्तीपुर के लोग जान रहे हैं, इससे पहले से लोग जान रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ने तो आंदोलन भी छेड़ा था ना उस समय? बहुत आंदोलन छेड़े हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, उसके बाद ही जा करके वो मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे थोड़े बन गए थे, ऐसे थोड़े उनको भारत रत्न मिला है। दोस्तों आइए, चल आने जाने वाले बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग। समस्तीपुर जिला के हैं, क्या लगता है सांभवी जी जब से जीती है तभी से समस्तीपुर का लोग नाम जान रहा है या उससे पहले से भी नाम है? नहीं, उससे पहले से नाम है, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर से ही चल रहा है। हाँ, क्या लगता है सांभवी जी के बोली है? गलत बात बोली है। क्या लगता है सांभवी जी को माफी बयान को वापस लेना चाहिए? हाँ, उससे पहले से वो एक साल से आई है, सांसद बनी है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि समस्तीपुर की जो सांसद है उनको जो उस तरह का बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समस्तीपुर के लोग जो है आहत हुए हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे को लेकर। समस्तीपुर की सांसद का जो एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, आप जो है राजद के कार्यकर्ता हैं और काफ़ी जो है इस इलाके में जो है समस्तीपुर में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो ऐसा जो बयान सामने आ रहा है और अभी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी जो ट्रेंड कर रहा है, तो आप इस बयान को किस प्रकार देखते हैं? मैडम कहती हैं कि समस्तीपुर को पहले लोग नहीं जानता था, जब से वो जो संसद में जब आवाज़ें उठाने लगी हैं तब लोगों को पता चल रहा है कि समस्तीपुर भी कोई जगह है।
समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, यहाँ से राजनीति की शुरुआत होता है पूरे बिहार में और पूरे भारत में लोग जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को और समस्तीपुर जिला को भी जानते हैं। इस तरह इस मोमेंट पे सांसद जी का बयान आना कि समस्तीपुर को आज लोग जान रहा है या मेरे वजह से पार्लियामेंट में जब आवाज़ उठाते हैं तो लोग जाना, ये बिल्कुल गलत है। और वो उनको यहाँ से लोग जाना है क्योंकि यहाँ के जनता समस्तीपुर जिला की जनता जो है सो उनको वोट किया तब लोग जाना के संभव ही है, नहीं तो संभव ही को इससे पहले कोई जानता भी नहीं था। तो पूरे जिला वासियों के लिए ये बड़ी शर्म की बात है इस तरीके से सांसद को अभी कैमरा ऑन कैमरा आकर उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए कि इस तरीके से जो बयान दिया है। बिल्कुल माफ़ी क्यों मांगना चाहिए, आज तक जो है किसी सांसद ने समस्तीपुर में इतना आवाज़ें उठाई हैं जितना ये संभवी चौधरी आवाज़ उठा रही है। आप धरातल पर देखिए कौन सा वर्क हुआ है, कौन सा काम की है सांसद महोदय? अभी तो बनी ही है ना, अभी बनी है ना, कौन सा वर्क किया है आप दिखाइए, कोई सा काम दिखाइए। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी बराबर जो है वो भोला टॉकीज गुमटी के पास जो ओवर ब्रिज का मामला था उनके मेहनत और प्रयास से वो काम आज सफल हुआ, तो उसको सांसद महोदय अपना क्रेज ले रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। वो तो अख्तरुल इस्लाम माननीय अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी का योगदान है वो जो ब्रिज पास आउट हुआ है। तो अभी अगर ये अभी सांसद नहीं बनती तो अभी अख्तरुल इस्लाम साहब बिल्कुल पहले से भी आवाज़ उठाते रहे हैं लेकिन उनके समय में पास नहीं हुआ, ये इनके आते ही जो कोई भी काम जब आप शुरू कीजिएगा तो उसमें टाइम लगता है, 2 साल 4 साल किसी काम को पूरा होने में टाइम लगता है, तो टाइम लगा, लंबा टाइम लगा, चला आज कामयाबी मिला तो उसको अपने ऊपर लेना बिल्कुल गलत है। अच्छा अभी जो जहाँ पे कर्पूरी की धरती रही है समस्तीपुर, कर्पूरी ठाकुर ने भी जो है आंदोलन यहाँ से शुरू किया था चूँकि उनका जो है पैतृक जो है घर है यहाँ पे कर्पूरी ग्राम में जो कि पितुजिया पहले कहलाता था, तो ऐसे जो है संभवी चौधरी को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, क्या उनको लगता है कि उनकी वजह से समस्तीपुर को जाना जा रहा है? देखिए उनको पॉलिटिक्स का समझ नहीं है, वो समझिए तो पापा का और पार्टी बेसिस पर वो जीती हैं, उनका अपना व्यक्तिगत 2% भी वोट नहीं है, 1% भी नहीं है, अपने छवि पर वोट मिला हो उनको, पार्टी के दम पर वो जीत गया और लोगों ने कहा कि नया चेहरा है तो वोट किया, तो उनका वो गलत फ़ायदा उठा रही है, मिसयूज कर रहे हैं उनको, आप बकलोल टाइप का बयानबाजी कह सकते हैं इसको। पूरे जिला के लोग जो है कल से एकदम मतलब शर्मा रहा है कि किस तरीके से बयान जो है दे दिए है सांसद महोदय जी। हो सकता है उनके कहने का मतलब कुछ और हो, वो कहना ये चाह रही है कि पहले लोग जो है इंटरनेट का उतना ज़माना नहीं था तो पहले जो भी बातें अगर करते रहे होंगे संसद वगैरह में तो यहाँ तक वो खुल के सही तरीके से, चूँकि उस दौर में जो है 4G का ज़माना 5G का ज़माना नहीं था तो न्यूज़ वगैरह जो है और सीमित था, चैनल भी बहुत सीमित है, एक दूरदर्शन हुआ करता था, हमें याद है कि जहाँ आप पूरे जिला का सर्वे कर लीजिए आपको खुद पता चल जाएगा, पूरे जिला आप देखिए कि जब से संभवी जी बनी है सांसद समस्तीपुर का कौन ऐसा वर्क की है या कौन ऐसा काम कर दी है, पूरे जिला का आप सर्वे करके देख लीजिए ठीक है, या उनको उनके इस बयान से पार्लियामेंट में जो आवाज उठाई है उसको कितने लोग गांव वाले जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहे, लेकिन उन्होंने जो गलत आकर पूरे जिला वासियों को एक शर्मसाक बयान देकर पूरे जिला का लोग जो आज शर्मिंदगी फील कर रही है समझे, वो आकर जानिए किसी से पूछिए सब लोग बता देंगे। शर्मिंदगी कैसे फील करे, सबसे कम उम्र की बेटी को जिता के भेजा है पूरा जिला, जिला को आज लोग जाना है, जिला को आज जाना है। आप पहले किसी ने आवाज इस तरह से उठाया था जैसे वो उठाती है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले भी बहुत लोग उठाए, इससे बहुत सारे सांसद हुए थे, सांसद भी थे उनके पार्टी से भी, तो बहुत सारे सांसद हुए थे। आप वर्ग देखिए ना कि उनका एक काम आप बताइए, कौन काम ऐसा है जो संभवी जी आने के बाद जो है करवा दिए हैं, एक काम बता दीजिए। अभी तो बनी ही ना, अभी तो 5 साल अभी बाकी है ना, पाँच साल और देख लीजिए ना, 5 साल आप देखिए, कोई काम ऐसा होने वाला नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं होगा। दोस्तों हमारे साथ अभी जो है कुछ और सामाजिक कार्यकर्ता इस इलाके के समस्तीपुर की धरती पे काफी काम करते हैं, सामाजिक बहुत सारा काम करते हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं। तो अभी आपके सामने जो एक सांसद जी का जो है एक वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा है पिछले 2 दिनों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर, वो जो कह रहे हैं वो सही बात है क्या, समस्तीपुर को पहले लोग नहीं जानता था? मैं गर्व से कहूँगा इस बात को और कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि जुम्मा 8 दिन हुआ है अभी सांसद बने हुआ, मैं आपके कैमरे में बोल रहा हूँ, और उनको ये भी नहीं पता है कि समस्तीपुर के जनता का उन्होंने मजाक बनाया है, कर्पूरी ठाकुर जी का उन्होंने मजाक बनाया है। आने वाले जितने भी लोग हैं इस बात को गंभीर रूप से समझिए कि
आज समस्तीपुर के लोगों समस्तीपुर मैप में आज के डेट में आया है संभवी जी के वजह से समस्तीपुर को हिंदुस्तान के लोगों ने जानने का माने की प्रयास कर रहा है। ये बिल्कुल समस्तीपुर वासियों के लिए एक मजाक है। आपके चैनल के माध्यम से संभवी जी को कहना चाहूँगा कि ये इतिहास जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत है संभवी जी, कि अगर इतिहास आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि समस्तीपुर में कैसे कैसे लोग थे और समस्तीपुर की जो नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों ने जानने का जो माने कि अवसर मिला। हाजी मरहूम शमसुद्दीन इलियास, जिसके नाम से समस्तीपुर को एक समय था, एक वक्त था जो दुनिया जानती थी, पूरे देश के लोग जानते थे। उसके बाद जहाँ तक मैं जानता हूँ, कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने समस्तीपुर के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो है सो आंदोलन करने का काम किया, और यही कर्पूरी ठाकुर जी की धरती के नाम से समस्तीपुर को आप क्या जानिएगा। आपको तो ये भी नहीं पता है कि किस माहौल से हम आए हैं। अरे आपको तो पैदा लेते हुए जो है सो आप एक सांसद बन गए। अगर आप संघर्ष करते, आप अगर किसी तरह का सामना करते कि आदमी जब तरक्की करता है या किसी भी ओहदे पे जाता है तो उसके पीछे कितनी कठिनाई होती है, ये कठिनाई आपने नहीं झेला है। ये कठिनाई कर्पूरी ठाकुर जी ने झेला है और यही उसका नतीजा है कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कर्पूरी ठाकुर जी ने समस्तीपुर का नाम रोशन किया। ये आपको जानने की ज़रूरत है। आपने समस्तीपुर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, रख दिया अभी तक जब से आप सांसद बने हैं, कुछ नहीं किया, सिर्फ हवाबाजी है लोकसभा में और मोदी जी के सामने। जिसको मौका मिलेगा वो जाएगा लोकसभा, आप वहां गए, समस्तीपुर के लोगों का बेइज्जती कर रहे हैं, आपको माफी मांगना चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। समस्तीपुर के जनता का मजाक बना रही है संभवी की जब भी समस्तीपुर का नाम आया है तो उस नाम के साथ कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आया है। ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो समस्तीपुर का नाम लेने से पहले कर्पूरी ठाकुर जी का नाम न लिया हो। आज यही संभवी मजाक बना रही है लोकसभा पार्लियामेंट में जाकर के, उनको तो माफी मांगना चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूं। उनके कहने का मतलब तो ये तो नहीं होगा कि समस्तीपुर ने, वो कुछ और कहना चाह रही होंगी। कहना ये चाह रही होंगी, जब से मैं सांसद बनी हूँ पहले कोई ऐसा सांसद आवाजें नहीं उठाती थी समस्तीपुर को लेके, तो वो अपने तरीके से आवाज उठाती होंगी, कहीं ये कहना चाह रहे होंगे। आवाज उठाना सही है, मगर संभवी ने कहा कि इससे पहले मैप पे समस्तीपुर नहीं था, या मैं जब आई पार्लियामेंट में तो मैंने पता किया तो समस्तीपुर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अगर इस तरीके का आपका सोच है तो मैं यही कहूंगा साहिल भाई, आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम समस्तीपुर वासियों का एक मजाक बनाया गया है। मजाक नहीं है तो क्या है? समस्तीपुर को लोग आज से जान रहे हैं, आजादी से पहले से समस्तीपुर को पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो ऐतिहासिक लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, कौन नहीं समस्तीपुर को जानता है। तो क्या लगता है संभवी जी को जो है जो अपने बयानों को वापस लेना चाहिए? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। यही समस्तीपुर का गरीब गुरबा जनता आपको सांसद बनाया है, अगर उसका मजाक बनाइएगा तो फिर चले जाइएगा जहां से आप आए हैं। दोस्तों, ये युवा जो है काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि समस्तीपुर की जो जनता है वो आपको जो है सांसद बनाकर भेजा है और आप उनका मजाक न उड़ाएं। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर आपको क्या क्या महसूस कर रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव आप जरूर दे सकते हैं। आप अपनी बात को भी कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, हर एक समस्तीपुर वासियों तक ज़रूर पहुँचाएं ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि समस्तीपुर की जनता इन बयानों को लेकर क्या कुछ सोच रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।